नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सर्कल जेट में। दोस्तों, कल रिलीज हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोमिंग के रिजल्ट्स। बट उस रिजल्ट में बच्चों को बहुत दिक्कत आई। दिक्कत क्या क्या आई यहाँ आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले दिक्कत है कि यहाँ पे SGPA दिया हुआ है और CGPA नहीं दिया हुआ है। तो आपको SGPA से CGPA कैसे निकालना है, ठीक है, और परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको कैसे पता कि आप पास हो या फेल हो, क्या यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट में पास है या फिर फेल है। तो सिंपली जो हम देखेंगे दोस्तों, वो हम देखेंगे सीधा ग्रेड पॉइंट, ठीक है। बेसिकली ग्रेड पॉइंट देखा जाता है, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट्स है आपके और यहाँ पे टोटल ग्रेड पॉइंट्स, नेट ग्रेड पॉइंट्स है, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं भी डी से नीचे नहीं है। अगर ई होता, ई, ठीक है, ई होता या एन ए होता, ठीक है, या एफ होता या ए बी होता, तो आप मान सकते हैं कि आप फेल हैं, ठीक है। अगर सी बी प्लस बी प्लस बी प्लस इनकी जगह पे ए बी यानी कि अब्सेंट, ठीक है, एफ यानी कि फेल, एन ए यानी कि नॉट अवेलेबल, ठीक है, आर ए यानी कि रिजल्ट अवेटेड, अगर यहाँ पे मान लीजिए किसी भी बच्चे का ER है, AB है, तो वो घबराए नहीं, ठीक है। ER का केस क्या होगा कि आप थर्ड सेमेस्टर में, अभी जो सेमेस्टर होगा नवंबर दिसंबर में, आप उसमें अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आपको ER है या फिर नंबर कम लग रहे हैं कि यार इसमें तो मैंने इतना लिखा था बट नंबर कम है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो घबराने वाली बात कोई सी भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो नंबर कैलकुलेट करना है, मैं आपको बताता हूँ। इस SGPA में 10 इंटू करना, ठीक है, और -7.5, ये फॉर्मूला है, ठीक है। SGPA इंटू 10 -7.5, इससे आपके आ जाएगी परसेंटेज। और जब परसेंटेज आ जाएगी तो परसेंटेज जैसे मान लो 70% आई, ठीक है, तो इसमें आप क्या करना कि इसमें 4 ऐड कर देना, ठीक है। तो कितना हो गया, 74, यानी कि 7.4 आपका CGPA आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। पहले आप SGPA को मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर माइनस कर दो 7.5 से, ठीक है, तो आपका परसेंटेज आ गया। परसेंटेज में 4 ऐड कर देना, जितना आएगा उसको बीच में पॉइंट कर देना, वो आपका आ गया CGPA। जैसे इस बच्चे का अगर देखा जाए तो 6.45 इंटू 10, ठीक है, इस तरीके -7.5 कर देंगे तो आपका जो CGPA है, परसेंटेज है, वो निकल जाएगा। इस बच्चे का देखिए कहीं भी ना AB है, ना NA है, ना ही ER है, कहीं भी नहीं है। इसमें सब में सही ग्रेड दिया हुआ है और इसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 60 के आसपास बनेगी। तो आप लोग भी जो अपनी जो ग्रेड है, जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, जो नेट ग्रेड है, आप उसको चेक करिएगा। यहाँ पे कहीं भी रिजल्ट में फेल या ER नहीं लिखा हुआ है। अगर फेल होता है ये बच्चा तो यहाँ पे फेल, ER और ER के सामने सब्जेक्ट का कोड होता। तो आप लोग प्लीज घबराएं नहीं, किसी भी बच्चे का अगर ER आता है तो वो घबराएं नहीं। अगली जो सेमेस्टर्स होंगे उस सेमेस्टर में वो बच्चा एग्ज़ाम पास करके अपना जो ER का जो बैक है वो हटा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको फेल नहीं किया जाता है। सेमेस्टर में एक चीज़ का बहुत प्रॉफिट होता है कि आप फेल नहीं कहलाओगे, ठीक है, बैक कहलाता है, फेल नहीं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाइए, आप फॉलो कीजिए और हमें DM कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसे जो अपडेट्स होंगे SEL के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अकॉर्डिंग, तो सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।